आज एशिया कप में इंडिया और हांगकांग मध्य मुकाबिल थे। आज ग्रुप ए का दूसरा और ओवरऑल चौथा मैच खेला गया। आज का मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में था। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया के स्क्वाड में आज एक तब्दीली की गई। हार्दिक पांड्या की जगह पर आए थे ऋषभ पंत। इंडिया का स्टार्ट एवरेज रहा। केएल राहुल और रोहित शर्मा 36 और 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव आखिर तक खेलते रहे। सूर्य कुमार यादव ने 26 बालों पर 68 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। साथ में विराट कोहली ने भी 59 रन बनाए। इन दोनों की पार्टनरशिप रही 98 रन की। यूं 2 विकेटों के नुकसान पर इंडिया ने 192 रन बनाए। हांगकांग की तरफ से आयुष शुक्ला और मोहम्मद गजनफर ने एक एक विकेट ली। माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए तो आज के मैच में विराट कोहली ने अपनी 31वीं T20 इंटरनेशनल 50 बनाई। साथ में रोहित शर्मा ने भी 3500 रन मुकम्मल कर लिए। दूसरी इनिंग्स में हांगकांग ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन साथ में वो विकेटें भी गंवाते रहे। हांगकांग ने आखिरी ओवर्स में लगातार बाउंड्रीज भी लगाए। हांगकांग की तरफ से टॉप स्कोरर रहे बाबर हयात, जिन्होंने 41 रन बनाए। हांगकांग का टोटल रहा 152 रन 5 खिलाड़ी आउट, जो कि काफी बेहतर है। यूं इंडिया ने ये मैच 40 रन से जीत लिया।